नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है ओपन सेट्स। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बारे में बताया था। आपको ओपन सेट्स को समझने के लिए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस वीडियो की लिंक और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ सेट जी कंटेन्ड इन आर इज सेट टू बी ओपन। इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ each of its points, कोई भी सबसेट है R का, हम उसको ओपन कब कहेंगे? जब वो अपने हरेक पॉइंट का नेबरहुड होगा। या फिर हम इस डेफिनेशन को रीराइट कर सकते हैं, a set G contained in R is said to be open if for each P belongs to G there exists epsilon greater than 0 such that P minus epsilon P plus epsilon contained in G। हम कोई भी सबसेट है जी आर का उसको ओपन कब कहेंगे? अगर हर एक एलिमेंट जी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एप्साइलन एग्जिस्ट करेगा, हर एक पी के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग एप्साइलन एग्जिस्ट करेंगे, पी माइनस एप्साइलन पी प्लस एप्साइलन की जो इंटरवल आएगा आपका ओपन वो जी के अंदर कंटेन होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम उस सेट को ओपन कहेंगे। अगर हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिलता है Q G का जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको ऐसा कोई भी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो हमको नहीं मिलता है सच दैट P माइनस एप्साइलन सॉरी Q माइनस एप्साइलन Q प्लस एप्साइलन जो है वो G के अंदर कंटेन करे। अगर हमें एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो कि जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऐसा एप्साइलन नहीं है जिससे Q माइनस एप्सिलॉन Q प्लस एप्सिलॉन G के अंदर कंटेन करे, तो ऐसे में हम कहते हैं कि वो सेट ओपन नहीं है। ये रिजल्ट जो है वो हर एक पॉइंट्स के लिए ट्रू होना चाहिए, यानी कि ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। अगर हमें यहां पर एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसका ये सेट नेबरहुड नहीं है तो ऐसे में वो सेट ओपन नहीं होती है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। आप कोई भी इंटरवल ले लेंगे ओपन इंटरवल, तो वो हर एक ओपन इंटरवल जो है वो ओपन सेट होता है। कोई भी लेके देख लीजिए, कोई भी एक ही ओपन इंटरवल है ए बी, इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो उसके अराउंड हमें एक छोटा सा इंटरवल तो मिल ही जाएगा जो कि इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, यानी ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो हर एक ओपन इंटरवल जो है वो ओपन सेट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेमी ओपन इंटरवल ए बी इज Not an open set। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो है सेट ये A का नेबरहुड नहीं है, क्योंकि A के अराउंड चाहे हम जितना भी छोटा नेबरहुड लें ये वाले हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि इस सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं।
तो ये ए का नेबरहुड नहीं है, इट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ ए। यहां पर ओपन सेट होने के लिए इसको अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए, और ये जो है सेट ये ए का नेबरहुड नहीं है, तो ये एक ओपन सेट नहीं। चलिए एग्जांपल नंबर थर्ड लेते हैं, जो कि कहता है द क्लोज्ड इंटरवल सॉरी क्लोज्ड इंटरवल नहीं द इंटरवल ए बी इज नॉट एन ओपन सेट। यहां से ये ओपन है, लेकिन ये जो बी है बी की तरफ से ये क्लोज है। तो इस तरह का जो सेट है ये ओपन नहीं होता है। ये ओपन क्यों नहीं है? क्योंकि पी के अराउंड हम यहां बी के अराउंड यहां पर हम छोटे से छोटा इंटरवल भी लेंगे तो ये वाले हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहे हैं। इस कारण से ये जो सेट है ये बी का नेबरहुड नहीं है, और ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए ओपन सेट होने के लिए। ये बी का नेबरहुड नहीं है, देयरफॉर ये एक ओपन सेट नहीं है। एग्जांपल नंबर फोर है द क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज नॉट एन ओपन सेट। क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है वो ओपन सेट नहीं है। यहां पर भी हम देख सकते हैं अगर हम कोई भी क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं ए बी तो ये यहां पर दोनों पॉइंट्स ए और बी का नेबरहुड नहीं है, क्योंकि हम ए और बी के अराउंड कोई भी इंटरवल लेते हैं तो ये देखिए यहां पर ये पॉइंट्स बाहर रह गए हैं और यहां पर ये पॉइंट्स बाहर रह गए हैं, तो ये ए और बी दोनों का नेबरहुड नहीं है। इसके कारण ये जो है ये सेट ओपन नहीं है। फिफ्थ एग्जांपल आर इज एन ओपन सेट। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो एक ओपन सेट होता है, ये हम इजीली देख सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, एक कंप्लीट रे है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। यहां पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए पी, कोई भी कहीं पर भी पी क्यू कोई भी, उसके अराउंड आपको एक ऐसा इंटरवल मिल जाएगा जो कि इस सेट के अंदर कंटेन होगा, यानी कि हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर। तो आर जो है वो एक ओपन सेट हो गई। सिक्स पॉइंट लेंगे, सिक्स्थ एग्जांपल फाइ इज एन ओपन सेट। फाइ यानी कि एम्प्टी सेट। मैंने आपको पहले भी बताया है किसी एक वीडियो में कि जो एम्प्टी सेट होती है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम फाइ से डिनोट करते हैं। ये ग्रीक सिंबल है फाइ, ये ग्रीक सिंबल है। एक्चुअली बहुत सारे मैथमेटिशियंस जो हैं वो हमें ग्रीस से मिले हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो ग्रीस से लिए गए हैं, तो ये ग्रीक सिंबल है फाइ यानी कि एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। ये हर एक एम्प्टी सेट जो है वो ओपन सेट होती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिसका ये नेबरहुड नहीं है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं देयर डजंट एग्जिस्ट एनी पॉइंट ऑफ विच इट इज नॉट अ नेबरहुड, therefore phi is an open set। इसी कारण से phi जो है वो open set हो जाती है। seventh example लेते हैं the set 1 2 union 3 4
is an open set. यहां पर आप देख सकते हैं अगर ये सेट है 1 2, अगर ये हम एक रियल लाइन ले लेते हैं यूनियन 3 4, तो हमें जो सेट मिल रही है वो कुछ ये वाली मिल रही है जो मैंने हाईलाइट कर रही हूं यहां पर. ये जो सेट है ये ओपन सेट है. इसके आप कोई भी इसके अंदर पॉइंट ले लीजिए, ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है. उस पॉइंट के अराउंड आप छोटे से छोटा इंटरवल क्रिएट कीजिए, वो इंटरवल इस सेट के अंदर आ रहा होगा. तो ये एक ओपन सेट है. आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ये भी प्रूफ करेंगे कि यूनियन ऑफ, अगर आपके पास में कुछ ओपन सेट्स हैं, अगर आप उनका यूनियन ले लेंगे तो उनका यूनियन भी ओपन आएगा. वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रूफ करेंगे. यहां पर ये दोनों सेट्स जो है वो ओपन है, तो उनका यूनियन जो आ रहा है वो भी ओपन होगा. सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8. द ओपन रेज ए इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी टू ए आर ओपन सेट्स. अगर हम कोई भी ओपन रेज ले लेते हैं, ओपन रेज का मतलब क्या होता है, जहां पर भी हमारा इंफिनिटी जिस इंटरवल में इंक्लूड हो जाता है उस इंटरवल को हम रे कहते हैं. तो हम कोई भी ओपन इंटरवल लेंगे, सॉरी ओपन रेज लेंगे, तो वो हमारी ओपन सेट्स होंगी. आप यहां पर वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होंगी. एग्जांपल नंबर 9 लेते हैं. द क्लोज्ड रेज ए टू इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी ए आर नॉट ओपन सेट्स. ये जो क्लोज्ड रेज हैं ए टू इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी टू ए, सॉरी मैंने यहां पर ओपन दिखा दिया इसको, ये क्लोज है. कोई भी क्लोज रे जो होगी वो ओपन सेट नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ऐसे लेते हैं यहां पर मेरा एक पॉइंट है ए, तो ये जो सेट आएगी ये बहुत दूर तक जा रही है क्योंकि इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है. तो ये जो रे है ये अपने इस पॉइंट ए का नेबरहुड नहीं है. इसके अराउंड हम कोई भी इंटरवल लेंगे तो हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जो इस सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं. इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी ए जो है वो भी ओपन सेट नहीं है. तो क्लोज रेज हम कोई भी लेंगे वो ओपन सेट्स नहीं होंगी. तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स ओपन सेट्स के. अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है इस वीडियो में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से रियल एनालिसिस के सभी वीडियोस हिंदी में पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है. Thank you so much for watching this.